प्रधानमंत्री जी ने ये कभी घोषणा की ही नहीं, ये बात कही नहीं। अगर ये बात कही तो मैं रिजाइन कर दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको दोनों जगह अजमेर और जयपुर की क्लिपें दिखा दी, बता दी, उसके बाद अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेसियों का प्रदर्शन। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंक कर जताया आक्रोश। बुधवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन और अजमेर के डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी मुमताज मसीह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर पुलिस के साथ कांग्रेसियों की काफ़ी धक्का मुक्की और बहस हुई। इसके पश्चात कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ समस्त कांग्रेसी जिला कलेक्टर अंशदीप के कक्ष में जा पहुंचे और उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को तत्काल लागू करवाने और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। मुमताज मसीह ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके तहत चंबल एवं सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने और 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई के लिए पहुंचाया जाना है, इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बार इस परियोजना को लागू करने की घोषणा की, जबकि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री के बयान को ही झुठला रहे हैं और ऐसा बयान नहीं दिया ऐसी बात कहकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ऐसा बयान प्रधानमंत्री ने दिया है तो वह अपनी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो क्लिपिंग के साथ यह साक्ष्य भी मौजूद करा दिए। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्री को अपने पद पर रहने का जरा भी हक नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज कांग्रेसियों ने कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस शहर जिला के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी मुमताज मसीह, पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, कैलाश झालीवाल, पार्षद द्रौपदी कोहली, नौरथ गुर्जर, महेंद्र सिंह रलावता, विपिन बैसिल, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी मांग, मुख्य मांग ये है कि ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो दो बार से भी ज़्यादा इन्होंने जयपुर में भी और अजमेर के अंदर इसकी घोषणा की थी कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन गजेंद्र सिंह जी जो इसके मंत्री हैं और राजस्थान से हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कभी घोषणा की ही नहीं, ये बात कही नहीं, अगर ये बात कही तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको दोनों जगह अजमेर और जयपुर की क्लिपें दिखा दी, बता दी, उसके बाद अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा है। लेकिन वो दूसरी बातें कर रहे हैं, उस बात को उड़ाना चाहते हैं, उस बात को, क्योंकि अब फंस गए हैं वो। तो वो ये, हम ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया? अगर वो सच्चे हैं तो उनको वॉइस सैंपल देना चाहिए और इस बात के ऊपर जो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, रिज़ाइन कर दूँगा, तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। हमारी मांग ये है कि वो रिज़ाइन करें।